यूपी के जनपद जालौन के ग्राम अकोड़ी स्थित अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा आईटीआई कॉलेज में आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कॉलेज के प्रबंधक प्रियांश शर्मा द्वारा किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में लखनऊ के आए डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीण का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस अवसर पर लगभग 100 मरीज देखे गए और उनको मौके पर निःशुल्क दवा एवं उपचार दिया गया है। इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंधक प्रियांश शर्मा ने बताया, हम अपने कॉलेज में ग्रामीण को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराने के लिए हर वर्ष एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं, जिससे ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे आस पास के ग्रामीण लोग होते हैं, तो ग्रामीण लोग शहर जाके अपना इलाज अच्छी तरीके से नहीं करा पाते हैं, तो उन ग्रामीण वासियों को निःशुल्क सेवा प्रदान करके हम यहाँ पे क्या कहते हैं एक शिविर का आयोजन किया है, जहाँ जिसमें आपके डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी आपके अच्छे क्या कहते हैं इलाज कर रहे हैं। और इसका जो ये कार्यक्रम जो चलेगा आज सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ है और दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा। लगभग इसमें कितने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले चुके हैं? जी अभी तक जो अभी तक है लगभग 70 ग्रामीण आ चुके हैं और बाकी अभी बैठे हुए हैं। पूर्ण रूप से निःशुल्क है जी? पूर्ण रूप से निःशुल्क सेवा है ये। तो आप अर्थात करते हैं कि ये पहली बार ही आपने सर? ये अभी हमारा पहला सत्र है, तो पहली बार ही आगे से ऐसा रहेगा जी। लेकिन अगली बार से प्रत्येक वर्ष ये निःशुल्क सेवा कैंप, आगे इस प्रकार के और भी कैंप लगाए जाएंगे। इस अवसर पर अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के अध्यक्ष शिव सेवक विश्वकर्मा ने मीडिया से वार्ता की। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का पहला सुख निरोगी काया है, क्योंकि वह जब निरोग रहेगा तो अपने जीवन के लिए कुछ भी कर पाएगा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सबसे बड़ा मानव धर्म है। स्वास्थ्य शिविर तो इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ एक सुख और समृद्धि का, लोगों के तमाम किस्म के जो स्वास्थ्य में पता नहीं लगता प्रेमलरी है ना, डायग्नोस्टिक सिस्टम का एक बहुत बढ़िया साधन है। और इससे इस तरह जो जगह जगह तमाम कॉलेजों में या यहाँ श्री अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा आईटीआई कॉलेज के जो भी सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, यहाँ की कमेटी ने जिस तरह ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, इसी तरह और तमाम बहुत सारे कॉलेज विद्यालय हैं उनमें अगर इस तरह का स्वास्थ्य का शिविर का जो कार्यक्रम हो निःशुल्क, उससे लोगों को गरीब और तमाम लोगों को बीमार होने से पहले बीमारी का पता लग जाएगा और ताकि वो समय से पहले बीमार होने की बजाय वो अपना स्वास्थ्य का इलाज करा लें। इस तरह के सभी जगह स्वास्थ्य शिविर एटलीस्ट लगने चाहिए। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन को धन्यवाद देते हुए इस अवसर पर कॉलेज के प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। जनपद जालौन से अनुज पाटकर की रिपोर्ट।